वेलकम बैक दोस्तों नावा अनदर वीडियो, दिस इज द ब्रो वुड। आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि जैपनीज या अमेरिकन कार्टून्स इंडियन कार्टून से बहुत बेहतर हैं, जो कि है भी। जब भी हम किसी देश के शो को देखते हैं तो हमें इन एनिमे या एनिमेशन के जरिए उस देश के कल्चर और उनकी परंपराओं को जानने का मौका भी मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन कार्टून्स पर नज़र डालें तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेयर एनिमेशन हमारे देश में बने हैं जो कि हमारे देश की क्वालिटीज़ और कल्चर को बहुत अच्छे से शो करते हैं। ऐसे ही कार्टून शो का नाम क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय है। ये शो आपको भी ज़रूर याद होगा। ये शो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शो है। आज के वीडियो में हम इसी कार्टून शो के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी बारी है। बेसिकली क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय कोई कार्टून शो है ही नहीं, बल्कि ये तो एक मूवी सीरीज है और हर मूवी की लेंथ लगभग एक घंटे तक की रखी गई है और इसके अब तक टोटल 8 मूवीज बन चुके हैं। अगर इसी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स रखे गए हैं, जिसमें क्रिश एक बंदर है जो कि काफी कूल और स्मार्ट है, साथ ही वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए शो में हंसाने का काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है बाल्टी बॉय। बाल्टी बॉय एक डोंकी है जो कि शो में काफी भोला और सीधा साधा कैरेक्टर है। और तीसरे नंबर पे आती है ट्रिश। ट्रिश एक बिल्ली है जिसे शो में काफी इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन दिखाया गया है। ये तीनों मिलके हमें हमारे देश के 3 अलग अलग कल्चर की 3 अलग अलग कहानियाँ हर मूवी में दिखाते हैं। जो बात इस शो को सबसे यूनिक बनाती है कि इन कहानियों को दिखाने के लिए इंडियन फोक आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि किसी टाइम लोगों ने कभी अपने हाथों से एक कहानी के तौर पे दूसरों को दिखाने के लिए बनाया था। एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय के पहले मूवी में हमें 3 कहानियाँ देखने को मिली थी, जिसमें एक कहानी राजस्थान की थी, एक कहानी केरला की थी और एक कहानी पंजाब की थी, जिसमें थोड़ा और वाली कहानी मेरी फेवरेट कहानी है और आज भी जब भी मैं शो के बारे में बात करता हूँ तो मुझे वो स्टोरी जरूर याद आती है। इस कार्टून शो के एनिमेशन इतने यूनिक और स्पेशल थे कि चाहे आप बच्चे हो, टीनेजर हो या अडल्ट हो, आपको जरूर पसंद आएंगे। एक बात और जो इस कार्टून को सबसे बेस्ट बनाती है कि जिस कल्चर में इन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता था उसी लैंग्वेज में इसका कैरेक्टर बोलता था, जिससे कहीं ना कहीं उस स्टेट के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करा जाता था। इस बेहतरीन शो को बनाने का सारा क्रेडिट मुंजाल श्रॉफ और तिलक राज सेट्टी को जाता है। मुंजाल श्रॉफ इस शो के प्रोड्यूसर थे तो वहीं तिलक राज इस शो के डायरेक्टर थे। साल 2005 में इन दोनों ने मिलकर इंडियन फोक आर्ट पे रिसर्च चालू की और इस रिसर्च के दौरान इन्हें पता चला कि 90% फोक आर्ट हमारे देश में पहले ही खत्म हो चुका है और अब कुछ ही परसेंट ओरिजिनल फोक आर्ट हमारे देश में बचा है। मुंजाल श्रॉफ और तिलक राज सेट्टी इस शो को हाई रेजोल्यूशन में बनाना चाहते थे, जिसके लिए ओरिजिनल फोक आर्ट को डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी था और अब सिर्फ मुगल मिनिएचर, मधुबनी और गोंड फोक आर्ट ही हमारे देश में बचे हैं। करीब 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली साल 2009 में कार्टून नेटवर्क पे पहली बार क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय की पहली मूवी को टेलीकास्ट किया गया, जिसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी टेलीकास्ट किया गया। फिर अगले ही साल यानी साल 2010 में इसकी दूसरी मूवी को ब्रॉडकास्ट किया गया। ये शो आते ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2012 में क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय को 21st कैरियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट किया गया। कैरियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे पुराना अवार्ड शो है, जिसको हर साल अफ्रीका के इजिप्ट में होस्ट किया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट होने के बाद बहुत से और देशों में क्रिस्टिशन बाल्टी बॉय को टेलीकास्ट किया गया, यानी अब पूरी दुनिया के बच्चे भारतीय फोक आर्ट और भारतीय कल्चर को देखने लगे थे। इतने पॉपुलर होने के बाद भी यह शो बहुत अंडररेटेड रह गया और इंटरनेट पे इस शो के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की गई है, और जब तक इसकी अगली मूवी ना आ जाए और तब तक हमें शायद यह सीरीज टीवी पे देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे देश की न्यू जनरेशन इस क्लासिक कार्टून शो को नहीं देख पा रही और शायद देख भी ना पाए। आपको ये शो कैसा लगता था हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।